नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख दिया है, जिसका मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी स्वागत किया। जबलपुर में अल्प प्रवास पर पहुंचे वी डी शर्मा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक निर्णय है। भारत की टीम ने हॉकी में 41 साल बाद अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके सम्मान में प्रधानमंत्री का खेल रत्न मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखना ये देश के लिए सम्मान घटना नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने देश का नाम आज़ादी के पहले रोशन किया था। वही कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित दौरे पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब आपके दौरे करने का क्या फायदा, आप अब दौरा कर रहे हैं जब सब कुछ हो गया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर मदद कर रहे हैं, इसीलिए कमलनाथ जी अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप ना चल फिर सकते हैं और ना ही लोगों की मदद कर सकते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अप्रासंगिक हो गए इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। जिनकी कोई वॉइस नहीं बची हो, उनके लिखने से, ट्वीट करने से समाज इन चीजों को नहीं मानता। देश के जनमानस के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री ने निर्णय किया है, याद आ रही है उनको? जब सब कुछ हो गया तब। ये बल्लभ भवन नहीं है कमलनाथ जी, जब आप मुख्यमंत्री थे बल्लभ भवन के अंदर बैठते थे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिन रात एक करके जान पर खेलकर बाढ़ पीड़ितों को कैसे मदद की जाए, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगे हैं। मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जान पर खेल कर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अब उनको लग रहा है कि हम चलें इससे कुछ नहीं होगा। आपको कमलनाथ जी, ना आप चल फिर सकते, ना आप लोगों की मदद कर सकते, ना किसी प्रकार की सहायता कर सकते। आप केवल ट्विटर पर ही मदद कर सकते हैं। अटकलें हैं कि विधानसभा सत्र के पहले नया नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। अब ये तो कांग्रेस तय करेगी। बिल्कुल 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 जल्दी हो जाएंगी। क्यों चिंता कर रहे हो यार? देखिए इस देश के अंदर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, ये ऐतिहासिक निर्णय है। भारत को 41 साल बाद, यानी 41 ईयर के बाद हॉकी के क्षेत्र में हमको बड़ा एक अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया, उनके सम्मान में और देश के जनमानस की आवाज पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से रखना, यह सामान्य घटना नहीं देश की। इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। मेजर ध्यानचंद कौन है भाई? मेजर ध्यानचंद के बारे में कांग्रेस कहे ना कि मेजर ध्यानचंद के नाम से नहीं होना चाहिए, कहे क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने इस भारत का नाम आजादी से पहले रोशन नहीं किया। रोशन तो किया ही था, ये दिखाया था कि भारत दुनिया के अंदर कहां पर है। आज उनको सम्मान देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि देश भर के खेल का सम्मान आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।